हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम आज संडे है तो घूमने निकल गए। हम एक्चुअली 5 दोस्त हैं और गरियाबंद में अपन चिंगरा पगार झरना आया, जो कि बहुत रायपुर के आसपास बहुत फेमस झरना है। लेकिन आज का मौसम हमने सोचा नहीं था इतना खतरनाक होगा। हर जगह जगह बारिश, और थोड़ी देर में आप देख सकते हैं, देखेंगे खतरनाक बारिश हो रहा है। इन बारिशों के बीच जंगल से जाते हुए एक इंसान नहीं दिख रहा है। हमारे साथ बनी रही है, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। जिंदा बारिश कहो, इसे कहते हैं नदी। इतनी बारिश है आज, नदी नाले पूरे उफान पे है। चिंगरा पगार पता नहीं गाड़ी निकलेगा कि नहीं हमारा। ये रही हमारी कार, देखते हैं। आइए आइए आइए, वो हम चिंगरा पगार की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्चुअली चिंगरा पगार बारुका गांव जो है दरियाबंद रोड से पड़ता है, उससे आगे की तरफ जाता है, तो लेफ्ट साइड एक मोड़ पड़ता है रायपुर तरफ से आते हुए, वही जा रहे हैं हम लोग। लेकिन आज का मौसम बहुत खतरनाक है, बारिश इतना हो रहा है कि नदी नाले उफान पर है, फिर भी हम जा रहे हैं। और मेरे दोस्त लोग सामने हैं। एक्चुअली मैं उनको शूट नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं पहने। जंगलों में बारिश का अनुभव अगर लेना है तो निकलिए, सही बोल रहा हूँ, ऐसा अनुभव शायद ही आपको जिंदगी में मिलेगा। और कुछ देर बाद झरना देखेंगे, वैसे झरने की आवाज बारिश के बीच भी यहाँ तक आ रही है। शायद आज कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हम चिंगरा पगार पहुंचे नहीं है, लेकिन चिंगरा पगार का जो पानी है वो इतनी तेज बहाव से आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरा नदी उफान पे। मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए हैं और मुझे जंगलों के बीच से जाते हुए डर लग रहा है। देख सकते हैं नदी, मैं फुल डर रहा हूँ यहाँ से जाते हुए। अबे बारिश गिरूंगा नहीं ना, गड्ढा कितना गड्ढा, कमर तक, ऊपर से भी तो आ नहीं सकते। खतरनाक तेज बहाव है, देख सकते हो, मैं कमर तक गहरे गड्ढे पानी में हूं। बहाव का अंदाजा आवाज से लग सकता है। इतना खतरनाक पानी है कि हमें बैठे बैठे जाना पड़ रहा है, पूरा भीगते हुए। एक तो बारिश की फुहारे, ऊपर तो वाह, घर से झरने से पानी की बूंदे आ रही है, बहुत ही सुखमय अंदाजा है। कहीं ऐसे मौसम में आना बहुत खुश नसीब है। हम चढ़ाई करते करते काफी ऊपर आ गए चिंगरा पगार झरना के ऊपर, और भी ऊपर जाने की सोच रहे। मेरे सारे दोस्त लोग निकल गए, मैं भी जा रहा हूँ। वाह, मैं आपको अलग अलग नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे। चिंगरा पगार के आधी दूरी पर चढ़ा हूँ और दूर दूर तक तो सिर्फ बारिश ही बारिश दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुहाना मौसम है और डेढ़ डिग्री टाइप का सिचुएशन भी हो गया है। ये झरना, इसकी आवाज़, ये ऊपर पहाड़ चढ़ना है हमको। पता नहीं मेरे दोस्त लोग कहाँ चले गए। हाँ, शायद ऊपर का नजारा बहुत खूबसूरत होगा। हाँ, अरे भाइयों कहो, वो देखिए, वाह क्या सीनरी है यार। दूर तक पहाड़ धुंधला दिखाई दे रहा है और वजह सिर्फ बारिश है। कल रात को बारिश चालू हुआ था और
बारिश लगातार होते ही जा रहा है, इससे नदियों में उफान सा आ गया है। और ये सिंगरा पगार का ऊपरी जो नदी वाला इलाका है जहाँ से एक्चुअली झरना बनता है, ये रहा। और ये नीचे आगे जाके ये नाला खत्म, झरना स्टार्ट। मेरे दोस्त लोग वहाँ कहीं नहा रहे। मैंने सिंगरा पगार का ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। हम सिंगरा पगार के ऊपर है, सही मायनों में ऊपर है, और यहाँ बारिश और नदियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है। एक मेन मुख्य नदी यहाँ से आ रही है और अलग अलग जगहों से नालों से बहता हुआ पानी इस नदी में मिल रहे हैं और आगे जाके झरना बना रहे हैं। और आगे जंगलों में अब देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने धुंध छोड़ दिया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सही में, आज आना सफल हो गया, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब हम इसके बाद पैरी नदी जाने का विचार कर रहे हैं, वहाँ खाना पकाएंगे, पता नहीं बारिश में कैसे पकाएंगे, देखते हैं, बने रहिए। हम एक्चुअली सिंगरा पगार आके फंस गए हैं, क्योंकि हम जब यहाँ से नाले से निकले थे जाते वक्त पानी तकरीबन घुटने तक था, अभी पानी लगभग कमर से भी ऊपर है और हमें डर है कि हमारा कार बह जाएगा, शायद हम यहाँ फंस गए हैं। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हम यहीं पे वेट कर रहे हैं कि पानी का जलस्तर थोड़ा कम हो, लेकिन नहीं, बारिश रुक नहीं रही है। और बारिश जब सुबह हम निकले थे 6 बजे रायपुर से, तो बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन जब राजीव क्रॉस किया बारिश एकदम तबाही वाला था। तो देखिए कमर तक लगभग पानी है। ये कर्टिका निकलने वाली है, देखते पानी क्रॉस कर पाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत पानी है। वो हमारे साथ आज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। एक्चुअली हम चिकन नहीं लाए थे, बस चावल लाए थे और टमाटर वगैरह लाए थे सब्जी बनाने के लिए। तो और हम यहाँ एनिकेट में फंस चुके हैं, जा नहीं पा रहे, तो हम पैदल पैदल तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर जंगलों के बीच से होते हुए चिकन कहीं से जुगाड़ किए हैं। और एक अर्टिका भी था हमारे साथ, वो अर्टिका निकल चुका है, बस हमारी ही एक लौटी गाड़ी फंसी हुई है इस पार, बाकी सारी गाड़ियाँ आ रही है, वहाँ भीड़ जम रहा है, गाड़ियाँ वहाँ रख के सब पैदल घूमने निकल रहे हैं। और बंकी भैया देखो चिकन साफ कर रहे, सोच रहे हम जब तक क्रॉस नहीं कर पाते यही चिकन पका के खा लेते हैं। इसी सोच के साथ हम यहाँ टेंट वेंट गाड़ेंगे, जलस्तर कम होने का वेट करेंगे। अरे भाई वैसे अच्छा रहा जो बना रहे हो, पता है वो तबाही, गाड़ियों का लाइन लगा है यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे 60-70 गाड़ियाँ तो होगी। सुबह से एक भी गाड़ी आगे क्रॉस नहीं कर पाया था, हम हिम्मत करके फिलहाल निकले हैं, तो शायद सब गाड़ी आगे जाएंगी। ये तवेरा वाले इतनी सारी गाड़ियाँ आएगी चिंगरा पगार के लिए, इतना क्रेज। हम वापस से पहरी नदी आ गए, एक्चुअली बहुत मशक्कत करना पड़ा वहाँ से निकलने के लिए। हम वहाँ पे बैठे बैठे खाना भी पका लिए, अब बस यहाँ पे नहाएंगे और खाना वाना खाएंगे, टेंट लगाएंगे, बस और कुछ नहीं, फिर निकलना है। वैसे हम सुबह 8:30 बजे वहाँ फंसे थे और अभी तकरीबन 2 बज रहे, इतना लंबा फंसे पड़े थे अपन। बिरयानी बना दिया था, चिकन तरी बनाते बनाते बिरयानी, पहले चावल बनाए, फिर उस चावल से बताया नहीं जा सकता कैसे क्या हुआ था, बस अब बिरयानी सोच के खा रहे। हम आज अपना दिन यही ख़त्म कर रहे हैं, वैसे बहुत इन्जॉय किए। और मैंने एक इंसिडेंट बताया नहीं है, जब हम चिकन लेने गए थे ना तो हम भटक गए थे जंगलों के, सोचे कि चिंगरा पगार तक पहुंचना है, दोस्तों की कार पुलिया के उस पार खड़ी है, उन लोग आ नहीं पा रहे थे, तो चिकन पकाना था, तो हम जंगलों के बीच से चिकन लेने के लिए निकले थे, लेकिन हम भटक चुके थे। लेकिन जो भी हुआ वो भटकना मतलब एकदम पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड जैसा पूरा एक्सपीरियंस था। तो मैं और बंकिम भैया वहाँ पे फंसे हुए थे, लेकिन वहाँ भी बहुत मज़ा आया। हमने आज जैसा प्लान किया था वैसा तो हुआ नहीं,
लेकिन जो भी हुआ हमारे साथ बहुत इंजॉय किए हम लोग। आप अगर कभी किसी झरने वगैरह में आते हैं ना, तो बारिश के मौसम में आना तो सही है, नज़ारा खूबसूरत मिलता है, लेकिन आज हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर झरने में घुस रहे हैं तो निकलने का प्रॉपर व्यवस्था कर लीजिएगा। हमारे पास निकलने का कोई व्यवस्था नहीं था। हम वहाँ पर तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर 1-1.30 बजे तक फंसे हुए थे, नाला क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, जंगलों के बीच से निकल नहीं पा रहे थे, फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, किसी को कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे, सारी गाड़ियाँ दूसरी तरफ, हम दूसरी तरफ, मतलब बहुत कुछ झेले हैं। तो जब भी आप कभी निकलिए कहीं पर भी, तो पूरा व्यवस्था के साथ निकलिए कि यार जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं।